मंजला एग्जाम नालिकर ने चिड़ियाघर में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, राजकीय निर्माण निगम के जीएम, विद्युत विभाग के अधिकारियों, निदेशक प्राणी उद्यान एवं अन्य अधिकारियों के साथ चिड़ियाघर का स्थलीय निरीक्षण किया और बैठक करके निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मंजला आयुक्त ने निर्देश दिया कि राजकीय निर्माण निगम जेसीए के द्वारा बताए गए कार्यों को हर हाल में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में पूरा कर लिया जाए तथा विद्युत विभाग के द्वारा तारों के हटाने का कार्य भी 10 दिसंबर तक पूरा कराएं। मंडला आयुक्त जयंत मालिकर ने प्राणी उद्यान में एक जिला एक उत्पाद के लिए बनाए जा रहे स्टॉलों में मंडल के देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के एक जिला और एक उत्पाद के उत्पादों को भी स्थान देने का निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि प्राणी उद्यान के कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए जिससे इसे जनता के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, वही देखना, काम देखना जरूरी है। ये सब तो हो ही गया है खुले में, सोना UPRN का कोई नहीं है यहाँ के, अपना एक हाल है शायद तो इसमें कैसे करेंगे चारों लोगों को। अभी कल आके देखा है, हाँ, भी आएगा तो वो आपसे डिस्कस कर लें जो भी आप पार्टी चूज करना चाहते हैं। के पास अब बहुत कम टाइम बचा है, ये हम लोग ऑलरेडी डेडलाइन पार कर चुके हैं। ये सब इतना तो इंडिज का काम नहीं है, इसको करने में इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे होगा। और CJDA ने जो सजेशन दिए थे उसका क्या वो दे दिया सर, वो दिन नोट भी किया है, वो लिखित बाद में दे दिया। उसका कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है और रियर गियर में थोड़ा उसका ऊँचा बनवाना है, उसको वेल्डिंग हो रहा है, लेकिन बीच में इसी के वजह में डिस्टर्ब हो गया। आज भी 107 लेवल है, मैं रोज का वो तो चलिए सब ये चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा वो पकड़ नहीं पा रहा है। पूरा नहीं तो उनका पूरा करके देना, इंक्लूडिंग CJDA का वो रिकमेंडेशन वो नहीं दिया, इसलिए वापस किया। कितना बड़ा हो जाएगा सर ये साइकिल्स की? ऊपर जनरली हाइट हम लोग 10 दिसंबर। अब बाकी इधर के जो है इनका जो हॉस्पिटल वाला सेंटर है वो हमने जो है कैसे फोन करके इनको इन्वेंट्री हम लोगों ने भेज दी है, एक्सेप्ट एक काम पे जिसपे कोई चीज़ें नहीं। और उसके बाद जो है इनके देने के बाद आपको कितना टाइम चाहिए? एक मिनट, इसका कंडीशन करना है क्वारंटाइन का, तो मिनिमम 14 से 21 दिन का क्वारंटाइन। तो आप वो कोले में जाएंगे, उसमें एक कहाँ रखेंगे, कहाँ कंसर्न 12 में भी रखेंगे, क्वारंटाइन सेंटर, रेस्क्यू सेंटर है, वो अलग कैंपस है, इसमें हॉस्पिटल भी है, नीट हाउस भी है। इसके बाद और क्या एनिमल्स के मूवमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन है कि इस सीजन में नहीं कर सकते? वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को लेकर आपकी तरफ से विलम्ब होगा तो फिर ये अपनी तरफ से विलम्ब कराएंगे। नहीं तो इनको तब जो जानवर तो जो रेस्क्यू सेंटर जो हैं पी कैप लगा लिया सर। और आपको पूरे ट्रांसपोर्टेशन में कितना अभी कितना टारगेट कर रहे हैं, कितने एनिमल? 100 2
क्या होगा कल गौशाला देखो मंदिर जाए। अच्छा और एक जगह गई हाँ आज रात को सर 8:30 बजे तक आ जाएंगे। जो स्थिति लोगों ने कर दी है अब आप कह रहे हैं कि आपको 10 दिन और चाहिए लेकिन समस्या क्या है समझ आए कि जनवरी में ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे एनिमल्स 84 एनिमल्स पाने का दिया तो जैसे ही आप आगे बढ़ा देंगे तो दिसंबर में 84 नहीं ला पाएंगे जो यही बात है चिड़िया होगा आपकी सारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। आज कहा यह गया था कि इसमें दिन रात काम किया जाए सोमवार से 10 दिन का इक्वल उसकी वजह से डिले हो जाता है परमिशन दे के भैया करने का काम नहीं कर रहा ये देखो दे के ये जो इनका 31 दिसंबर और इनका 31 दिसंबर है मेरा 15 जनवरी जो है तो बहुत रात दिन काम लगवा रहा मैं रहूँगा इस गाँव के ना समय आशा करते हैं कि हम अति शीघ्र चिड़ियाघर को इनॉग्रेट कर पाएंगे। इसमें जो भी अड़चने हैं उनको फटाफट हम काम ख़त्म करेंगे।